नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आज मैं आपको कुछ खास खबर बताने जा रहा हूं जो मुमरा शहर की मुमरा में दो दिन पहले एनसीपी के कार्यकर्ता शाहरुख सैयद के तरफ से शहर में आह्वान किया गया था नशे के खिलाफ बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठने की, जो आज के दिन मेक कंपनी के सामने बैठे हैं। उनका मिशन है मुमरा शहर को नशे से दूर भगाने की, बढ़ती हुई नशे पर अंकुश लगाने की। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं मेक कंपनी के पास, जहां पर शाहरुख सैयद, जितेंद्र अहवाट, शमीम खान के करीबी माने जाने वाले, उनकी क्या मांग है, किस मुद्दे को लेकर बेमुद्दत भूख हड़ताल पर आज 3 बजे बैठे हैं। हमारे संवाददाता इस्लामुद्दीन खान जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानते हैं। इस्लामुद्दीन खान, क्या जानकारी है, आज शाहरुख सैयद नशे के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं या नहीं? जी फिरोज, इस समय मौजूद है हम मैक कंपनी के सामने, और यहाँ पर जो है उपोषण होना था नशे को लेकर, लेकिन 3 बजे का समय दिया गया था। 2 दिन पहले जो है पत्रकारों को बताया गया था कि 3 बजे के समय जो है मैक कंपनी के सामने जो है नशे के खिलाफ जो है बेमुद्दत उपोषण पर बैठा जाएगा, लेकिन हम 3 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं और इस समय करीब 4:30 बजने को है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो उपोषण करने के लिए यहाँ आने वाले थे, जो शाहरुख सैयद जिनका नाम है, जो एनसीपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ बैनर भी लगाया गया है, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस पार्टी संघर्ष महिला संघ ड्रग्स फ्री मुमरा, यानी नशे को लेकर जो है ये बहुत बड़ा उपोषण यहाँ पर होने वाला था, जो करीब 2-3 दिन से पूरे शहर में इसकी चर्चा थी कि शाहरुख सैयद जो है वो नशे के खिलाफ जो है मेक कंपनी के सामने उपोषण पर बैठने वाले हैं, लेकिन हम 3 बजे से यहाँ पर हम मौजूद हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये उपोषण करने के लिए यहाँ कोई आया नहीं है। हालाँकि जो ये मंडप लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इस मंडप में कोई भी मौजूद नहीं है। जी इस्लामुद्दीन, आज 3 बजे भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे, क्यों नहीं बैठे, क्या किसी से जानकारी निकलकर सामने आई है, या शाहरुख सैयद से आपका संपर्क हुआ है, क्या क्या जानकारी है? जी जी बिल्कुल फिरोज, कोई कार्यकर्ता से हम संपर्क कैसे करें, हालांकि हमने शाहरुख सैयद से जो है 2-3 बार फोन लगाकर उनसे संपर्क करना चाहा कि आखिर शाहरुख सैयद यहां पर क्यों नहीं आए, आखिर क्या वजह है जो शाहरुख सैयद यहां पर आए नहीं। आखिर जिस तरह से कह सकते हैं कि जो ये मंडप लगाया गया, जैसे शादी में भी मंडप लगाया जाता है, ऐसे मंडप लगाया गया, यानी जिस तरह से बाराती जो होते हैं वो दूल्हे का इंतजार करते हैं और दूल्हा मंडप से फरार हो जाए, उसी तरह से यहाँ ये मंडप लगाया गया है, और यहाँ जो उपोषण पर बैठने वाले थे शाहरुख सैयद, वो यहाँ से नादारद है, ना ही उनके कोई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और ना ही शाहरुख सैयद यहाँ पर मौजूद है, यानी जिस तरह से दूल्हा गायब रहता है उसी तरह से यहाँ से शाहरुख सैयद गायब है। फिलहाल शाहरुख सैयद क्यों गायब है यहाँ से, क्या उन्हें किसी ने इस उपोषण से रोका है, बहरहाल इस सबकी जानकारी जो है हम शाहरुख सैयद से लेना चाहें, लेकिन शाहरुख सैयद का फोन जो है लगातार स्विच ऑफ आ रहा है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस्लामुद्दीन, क्या उम्मीद लग रही है, शाहरुख सैयद अपने स्थान पर यानी भूख हड़ताल पर देरी से आने वाले हैं क्या? भी जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने शाहरुख सैयद से भी जो है संपर्क करने की कोशिश की, अभी तक यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, लेकिन फिलहाल जो बात सामने आ रही कि किससे संपर्क हुआ किससे नहीं हुआ, ये तो शाहरुख सैयद ही बता पाएंगे कि आखिर क्यों उन्हें जो है यहाँ पर क्यों रोका गया है, किसने रोका है आखिर, या असलियत क्या है, कौन सी ऐसी बात आ गई उनके सामने कि जो आज यहाँ पर उपोषण करने वाले थे और वो उपोषण पे बैठे नहीं। यहाँ पर दिखा सकते हैं आपको कि यहाँ पर जो ये मंडप लगाया गया है, यहाँ पर लाइट चालू है, पंखा चालू है, 2 पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं, 2 लाइट लगाई गई है और दोनों चालू है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने के लिए, देखें ये पंखा, जब 3 बजे से हम लोग हैं यहाँ पर, ये पंखा ऐसे ही चल रहा है, लाइट भी ऐसे चालू है और ऐसे ही सब मंडप लगा कर इसे छोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो है कोई भी जो उपोषण करने वाले लोग थे वो अभी यहाँ तक पहुँचे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस्लामुद्दीन खान जानकारी देने के लिए। दरअसल आज शाहरुख सैयद भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे नशे के खिलाफ, हमारे संवाददाता इस्लामुद्दीन खान ने साफ साफ तस्वीरें दिखाया था और दिए हुए समय पर कोई भी कार्यकर्ता और शाहरुख सैयद वहां पर नहीं पहुंचे, मंडप जो है खाली पड़ा हुआ है। ये जाहिर सी बात है, ये जरूर कह सकते हैं दूल्हा मंडप में नहीं पहुंचे क्योंकि उन्हें 3 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठना था और 6 बज चुके हैं, और उसके बाद हम आपको अपडेट दिए हैं आखिर शाहरुख सैयद
क्यों नहीं भूख हड़ताल पर बैठे, क्या मजबूरी है। दो दिन पहले से हंगामा था शहर में और कर चुके थे, उनके कार्यकर्ताओं ने कर चुके थे बेमुद्दत भूख हड़ताल की, और आज भूख हड़ताल पर नहीं बैठे हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।